Hello welcome again to this particular session so in the first session we actually just took into account the initial concept of as far as this particular chapter insurance company is concerned so we'll continue with that particular discussion i have already told you actually in this particular chapter first of all we need to acquaint ourselves with the terminologies which we are going to actually use to make this particular chapter absolutely what we call uh, our easy one but for the same as i so often now i have been telling you that we need to Put a little bit of what we call efforts in understanding the various concepts. So so far what we have done, I am just recapitulating. Just pay attention down over here. Let me actually put the screen before you. particular <laughs> chapter हमने सबसे पहले तो यही देखा कि इंश्योरेंस कंपनी जिसको कि इंश्योरर भी कहते हैं पार्टी जो कि जो कि अपना इंश्योरेंस कराती है उसको इंश्योर्ड भी कहते हैं इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इंश्योरर ने रिस्क को बेयर करने की गारंटी ली है और इस बात की भी गारंटी ली है या एश्योरेंस दिया है कि अगर वो रिस्क मटेरियलाइज हो जाएगा तो हम पार्टी को कंपनसेट करेंगे फिर मैंने ये भी बताया था कि वो तमाम डॉक्यूमेंट जिस पर हम तमाम शर्तों को लिखते हैं उसको ही हम पॉलिसी कहते हैं उसके अलावा फिर मैंने ये भी बताया था कि इंश्योर और इंश्योर्ड ये तो मैं बता ही चुका हूँ उसके बाद जो मेन और अहम चर्चा हमारी हुई थी वो चर्चा जो हमारी हुई थी वो किस बात पे हुई थी वो हुई थी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और जैसा कि आपने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम तो मैंने बताया था इंश्योरेंस कंपनी जब पार्टी का इंश्योरेंस कराती है बिकॉज हम रिस्क बियर कर रहे हैं तो पार्टी से हमें जो बिज़नेस मिलेगा ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट बिजनेस तो है लेकिन वो पार्टी हमें बदले में एवज में कुछ कंसिडरेशन देती है जिसको प्रीमियम हम कहते हैं हमने समझने की कोशिश करी कि प्रीमियम और डायरेक्ट बिजनेस का मतलब क्या है जो बिजनेस हमारे ही एजेंट हमारे लिए लेकर के आए हैं उस बिजनेस पे जो हमें प्रीमियम मिलता है वो प्रीमियम और डायरेक्ट बिजनेस है जिसको कि मैंने सीधे अल्फाजों में और आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी कि जो हमें सिंपल वर्ड्स में सामने से बिजनेस मिल रहा है वो एक तरीके से डायरेक्ट बिजनेस है करेक्ट उसके अलावा फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा करी थी उस कॉन्सेप्ट की चर्चा को मैं एक बार जरा हल्के से जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ अभी तक हमने क्या करा बेटे जरा ध्यान से देखें अभी तक जो हमने करा मैंने आपको ये बताया था ये इंश्योरेंस कंपनी है जरा ध्यान से बेटे यहां पर ध्यान भी देते रहें ये बहुत अहम चैप्टर है ये लीजिए अभी तक हमने ये देखा पहले तो हमने जो मेन चीज आपसे कही है वो ये कि हम जो कुछ भी एनालाइज कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी ए के एंगल से कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी ए के एंगल से बेटे हम एनालाइज कर रहे हैं जितनी भी चीजें कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी ए करेक्ट इंश्योरेंस कंपनी ए के एंगल से हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं सामने आ नहीं रहा क्या क्या बात है इज इट ओके नाउ चलो अभी तो इस पार्टी से जो हमें बिजनेस मिला मैंने कहा उसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट बिजनेस बोलेंगे उसको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट बिजनेस तो ये तो है डायरेक्ट बिजनेस जो पार्टी से हमें बिजनेस मिलता है उसको तो हम कहते हैं डायरेक्ट बिजनेस एक तो ये बात आपकी समझ में अब अच्छी तरह से आ जानी चाहिए कोर्स हमारे ही एजेंट ये बिजनेस हमारे लिए लेकर के आएंगे हमारे ही एजेंट जो हैं ये बिज़नेस लेकर के आते हैं ये आपने भूलना नहीं है यू हमारे ही एजेंट मैंने कहा कि बिज़नेस लेकर के आएंगे ये बात हमें दिमाग में रखनी है नंबर एक नंबर दो इस पार्टी से हमें बिजनेस मिला उसके बाद मैंने बताया था कि कभी कभी जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है उसको जो बिज़नेस मिलता है दूसरी पार्टी से या दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी मान लेते हैं मार्केट में एक इंश्योरेंस कंपनी है मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी सी है थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि सी नाम की कंपनी को कुछ इंश्योरेंस का बिज़नेस मिला और इंश्योरेंस कंपनी सी को लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो ऐसा करते हैं कुछ बिजनेस हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जो बिजनेस इनको मिला कुछ बिजनेस उन्होंने इनको ट्रांसफर कर दिया कंपनी ए के एंगल से कंपनी ए के एंगल से इसको बोलेंगे री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड इसको हम बोलेंगे री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड पहले तो ये बात आपको समझनी है कंपनी ए के एंगल से क्योंकि हम हर चीज कंपनी ए के एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से कभी कभी कंपनी ए क्या करती है या हमारी कंपनी क्या करती है कुछ बिजनेस दूसरी पार्टी को दे देती है मान लेते हैं हमने कुछ बिजनेस ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी बी को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी बी मार्केट में एक इंश्योरेंस कंपनी बी है और हमने कुछ बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी बी को ट्रांसफर कर दिया करेक्ट जैसा कि आप देख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी बी को हमने बिजनेस ट्रांसफ़र करा जो बिजनेस हमें मिला था उसका कुछ हिस्सा हमने ट्रांसफर करा ऑफ कोर्स इस ट्रांसफर करने को री इंश्योरेंस बोलेंगे याद रखें हम सिर्फ कंपनी ए के एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी ए के एंगल से इसको बोला जाएगा री इंश्योरेंस सीडेट री इंश्योरेंस सीडेट ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए अब ध्यान आपको क्या देना है जो मेन चीज मैं आपके दिमाग में लाना चाह रहा था जो उस वक्त मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा था मैं जल्दी से एक बार और बोल दूँ मैंने कहा तुम्हें यह अब अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से इस पार्टी से सॉरी इंश्योरेंस कंपनी ए को बिजनेस मिला उस पर कुछ प्रीमियम मिले प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ये हमारी इनकम है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह हमारी इनकम है प्रॉब्लम तब आती है अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं प्रीमियम रिसीव्ड, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस सॉरी ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस तो इनडायरेक्ट जहां भी वर्ड आ जाएगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके एजेंट आपके एजेंट इस बिजनेस को लेकर के नहीं आ रहे हैं और उसने लिखा है प्रीमियम रिसीव्ड तो प्रीमियम रिसीव आपको कब हो सकते जब आपने का आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इज क्लियर टू यू और नॉट तो इंश्योरेंस कंपनी सी ने आपको बिजनेस दिया आपने एक्सेप्ट करा आपको प्रीमियम मिले इसका मतलब इनडायरेक्ट बिजनेस पे आपको प्रीमियम जब मिलता है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए इसका मतलब होगा प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड इसका मतलब होगा प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी आपकी इनकम है ये मैं आपको बता चुका हूं करेक्ट अब कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा प्रीमियम पेड कई बच्चों को तो कंफ्यूजन हो जाती है कई बच्चे सोचते हैं सर इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कैसे पे कर सकती है तो वही पॉइंट मैं आपको बता रहा था पहले तो प्रीमियम पेड का मतलब ही होता है प्रीमियम पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस क्यों होता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एक क्या इस पार्टी को प्रीमियम पे कर सकती है कभी भी नहीं पे कर सकती है. इस पार्टी को हम थोड़ी प्रीमियम पे कर सकते हैं यानी कि डायरेक्ट बिजनेस पे हमें से प्रीमियम मिल सकता है हम पे नहीं कर सकते तो प्रीमियम जो पे हो सकता है वो इनडायरेक्टली ही हो सकता है तो प्रीमियम पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस एक तो ये बात आनी चाहिए इस समझ में कि जो प्रीमियम पेड होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट बिजनेस पर ही हो सकता है और प्रीमियम पेड का मतलब है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड जब आपने इंश्योरेंस का बिज़नेस छोड़ा तो आपको जो प्रीमियम मिले थे वो इनको देने पड़ेंगे उसका कुछ हिस्सा जितना भी परसेंट बिजनेस आपने छोड़ा है तो प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड बस ये मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट सेशन समाप्त करते करते इसको हम खर्चा नहीं बोलेंगे लेकिन ये हमारी प्रीमियम की इनकम को कम जरूर करता है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए इज इट क्लियर टू यू और नॉट प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम क्या समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए अब हम समझेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट क्लेम्स का कॉन्सेप्ट क्लेम्स ठीक है जरा मैं कुछ शीट अपनी बार बार सेट करनी पड़ती है ये जरा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम भी आइए जी अगला कॉन्सेप्ट है क्लेम का कोई मुश्किल नहीं है कोई मुश्किल है बहुत ही ईजी चैप्टर बस आपको री इंश्योरेंस का मतलब पता लग गया री इंश्योरेंस सीडेड और एक्सेप्टेड का मतलब पता लग गया तो समझ लो यू हैव वन हाफ द बैटल आधी फत जंग तो आपने पहले ही जीत ली है इज इट क्लियर टू यू ये शीट्स बहुत तंग कर रही हैं इनको मैं जरा किनारे रख देता हूँ ठीक है ना आइए जी अब आगे बढ़ते हैं क्लेम्स का कॉन्सेप्ट क्या है आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हें पता ही ये मेरी आदत सी हो गई है लाइन इस तरह ड्रॉ करने की पहले ये मैंने लाइन ड्रॉ करी ये क्या है इंश्योरेंस कंपनी ए ये इंश्योरेंस कंपनी ए है ये पार्टी है इस पार्टी से हमें डायरेक्ट बिजनेस मिला इस पार्टी से हमें डायरेक्ट बिजनेस मिला बाबा क्या मिला डायरेक्ट बिजनेस लो जी मैं लिख भी देता हूं डायरेक्ट बिजनेस इससे हमें डायरेक्ट बिजनेस मिला इस पार्टी से मुझे डायरेक्ट बिजनेस मिला लीजिए जी यह पार्टी हमें प्रीमियम भी पे करेगी इसमें कोई डाउट नहीं चलो मैं वो भी मार्क कर देता हूं बिजनेस जब मिलता है तो उस वक्त कुछ नहीं मिलता है लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो यह पार्टी हमें प्रीमियम पे करती है प्रीमियम यह भी आपको मालूम है ऑफ कोर्स ये प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस है करेक्ट अब ध्यान यह रखना है कि अगर रिस्क मटेरियलाइज हो जाएगा तो हमारी कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी को इस पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा अगर रिस्क मटीरियलाइज हो जाता है तो हमारी कंपनी को इस पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा और कंपनसेट करना पड़ेगा का मतलब है कि यह पार्टी हमसे मुआवजा मांगेगी कंपनसेशन मांगेगी तो सिंपल वर्ड्स में इंश्योरेंस कंपनी ए के एंगल से हम बोलेंगे क्लेम्स जाहिर है कि क्लेम्स हमें पे करने पड़ रहे हैं तो ये हमारा खर्चा है इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी इंश्योरेंस कंपनी का सबसे मेन खर्चा क्लेम्स है ये बात तो आपकी समझ में पहले आ जानी चाहिए बात समझ में आ गई एक तो इज इट क्लियर टू यू यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है पक्का नहीं है आप जरा ध्यान से मेरे पॉइंट को समझें अगर यह पॉइंट आपकी समझ में आ गया ना बस क्या कहने फिर तो समझ लो कोई पॉइंट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है देखो यहां पर सपोज मेरी कंपनी इस पार्टी को क्लेम पे करती है तो इसको मैं बोलूँगा क्लेम्स ऑन डायरेक्ट बिजनेस क्या बोलूँगा क्लेम्स ऑन डायरेक्ट बिजनेस बताओ क्लेम्स ऑन डायरेक्ट बिजनेस आपके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ए के लिए खर्चा है या इनकम है सर निश्चित रूप से खर्चा है कोर्स ये हमारा खर्चा है क्लेम्स अब ये खर्चा है तो खर्चा ही रहेगा अब अगर मैं आपको यह लिखूं क्लेम्स पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस बताओ इसका क्या मतलब निकला क्लेम्स पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस बेटे अगर मैं आपको लिख दूं तो इसका क्या मतलब निकला अब जहां भी वर्ड इनडायरेक्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब कुछ आजू बाजू की बात चल रही है पहले तो ये मतलब समझ में आया और भी नहीं समझ में आया तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो रफ़ में एक डायग्राम बना सकते हो या आपने एक डायग्राम ऐसे बना लिया और एक लाइन ऊपर की तरफ खींच दी करेक्ट यानी कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में दो इंश्योरेंस कंपनी और भी हैं ये इंश्योरेंस कंपनी बी है और यह इंश्योरेंस कंपनी सी है करेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब भी होता है री इंश्योरेंस पहले तो यह आपको समझ में अब अच्छी तरह तो आ जाना चाहिए री इंश्योरेंस इनडायरेक्ट का मतलब री इंश्योरेंस आजू बाजू दाए बाएं अब मुझे एक बात बताओ मान लेते हैं कंपनी बी ने आपको कुछ बिजनेस ट्रांसफर करा था कंपनी बी ने आपको कुछ बिजनेस ट्रांसफर करा है तो कंपनी ए के एंगल से वो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है है या नहीं है बिल्कुल है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है अगर ये कंपनी मुझे बिजनेस ट्रांसफर करेगी तो मेरे लिए ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है बाबा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए ना कंपनी ए के लिए ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है अब यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है चलो मैं लिख देता हूँ री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड ये हम एक याद रखो ये जो भी टर्म है ना हम एक एंगल से बोल रहे कंपनी एक एंगल से इस कंपनी ने हमें बिजनेस ट्रांसफर करा तो इसका क्या मतलब है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बिजनेस ट्रांसफर करती है तो इसके दो मतलब है कि अगर पार्टी से जितने भी प्रीमियम हमें मिलेंगे और जितना भी परसेंट हमने बिजनेस आपको ट्रांसफर करा लेटेस्ट से दस प्रतिशत बिजनेस ट्रांसफर करा तो जितने भी प्रीमियम मिलेंगे उसका दस प्रतिशत हम आपको ट्रांसफर कर देंगे यानी कि जितना प्रीमियम मिला उसका दस परसेंट प्रीमियम इनको मिल जाएगा लेकिन इसका यह भी मतलब निकला कि अगर कल कंपनी बी को कुछ क्लेम इस पार्टी को पे करना पड़ जाए तो दस प्रतिशत क्लेम कंपनी बी जो है कंपनी ए से रिकवर भी करेगी भाई मैं कंपनी बी हूं आप कंपनी ए हो मैंने आपको टेन परसेंट बिजनेस दिया तो इसका क्या मतलब है मैं अपनी इनकम का दस प्रतिशत आपको दूंगा लेकिन अगर मेरा कोई खर्चा होगा क्लेम पे करना पड़ेगा उसका दस प्रतिशत मैं आपसे रिकवर करूंगा तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ए ने कोई बिजनेस एक्सेप्ट करा हुआ है री इंश्योरेंस और इनको इस पार्टी को क्लेम देना पड़ जाए तो उसको कहेंगे क्लेम्स पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस तो क्लेम्स पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस का तो मतलब क्लेम्स पेड ऑन री इंश्योरेंस और इस पूरे सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसी सेंटेंस को मैं रेड पेन में लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो इसी पूरे सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड अब बेटे ध्यान से समझे क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड आपने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट करा हुआ है और उस पर आप क्लेम पे ही कर सकते हैं तो यहां word paid भी, की भी जरूरत नहीं है तो तो का मतलब है, वैसे तो examination में तुम्हें इसी तरीके से मिलेगा, जैसे मैंने लिखा है जैसे मैंने लिखा है क्लेम्स पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस मैंने कहा इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड ऐसा बहुत रेयरली होगा कि जो मैंने रेड पेन से लिखा है आपको इस तरीके से दिया होगा लेकिन आपको हर चीज के लिए अलर्ट रहना है 99 परसेंट आपको इसी तरीके से दिया होगा मुश्किल तो नहीं होगी लेकिन बाई चांस कभी ऐसे दिया हो तो तब आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है तो उसमें बेस्ट तरीका यह है कि आप आराम से पहले एक डायग्राम खींच लें रफ में और एकदम से आपको याद आ जाएगा भाई हमने री इंश्योरेंस बिजनेस से एक्सेप्ट कराया अब क्लेम हम इसमें पे ही कर सकते हैं तो ये भी हमारा खर्चा है ये हमारे खर्चे को बढ़ाता है अब अगर मैं आपको ऐसे दे दूं क्लेम्स अगर मैं आपको ऐसे दे दूं क्लेम्स ऑन या चलो पहले मैं सिंपल अंदाज में दूं क्लेम्स रिसीव्ड या रिकवरेबल ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस वैसे तो तुम्हें इसी तरीके से दिया रहता है लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता वैसे इसका मतलब क्या हो गया जो मैंने ये लिखा इसका मतलब पता है क्या हो गया इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस रीइंश्योरेंस सीडेड, री इंश्योरेंस री इंश्योरेंस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है जरा समझने की कोशिश करें सीडेड आप कंपनी ए है अब मेरे को डायग्राम थोड़ा नीचे की तरफ लाना पड़ेगा आप कंपनी ए है आपने कंपनी सी को बिजनेस ट्रांसफर करा आपने कंपनी सी को बिजनेस ट्रांसफर करा तो आपके लिए यह क्या है री इंश्योरेंस सीडेड है री इंश्योरेंस सीडेड आपके लिए री इंश्योरेंस सीडेड है इस पार्टी से जो भी प्रीमियम आपको मिले कुछ प्रीमियम मान लेते हैं टेन परसेंट आपने इनको ट्रांसफर कर दिए अब मान लेते हैं किसी कारण से आपको इस पार्टी को कुछ क्लेम देने पड़ गए मान लो सौ करोड़ के क्लेम देने पड़ गए तो सौ करोड़ तो आप इनको देंगे लेकिन सौ करोड़ का दस प्रतिशत आप कंपनी सी से रिकवर करेंगे बात समझ में आई तो क्लेम्स ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड का मतलब है क्लेम्स रिसीव्ड या रिकवरेबल ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस जो बिजनेस आपने ट्रांसफर करा था उसके एवज में आप क्लेम की रिकवरी कर रहे हो अब ये मत कहना कि ये इनकम है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये आपके खर्चे को कम कर रहा है आपने इस तरीके से देखना है आप बात समझ में आई कि नहीं आई तो क्लेम्स जो है वो आप क्लेम्स रिकवरेबल ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस वो आपके खर्चे को कम करता है ये कभी नहीं कहना कि यह इनकम है बस अगर आपने यहां यह गलती कर दी तो फिर इस चैप्टर में गलती के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे बात समझ में आ गई तो क्लेम्स में भी वही चीजें जो ऑलमोस्ट प्रीमियम में थी इज इट क्लियर टू यू तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है आपने देखा निहायत ईजी है आइए इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद अब हम अगला कॉन्सेप्ट करते हैं सर अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे अब जरा अगला कॉन्सेप्ट देखें अगला कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ अगला कॉन्सेप्ट लीजिए जी यहां कर देते हैं अब हमने जो कॉन्सेप्ट देखा प्रीमियम का सॉरी क्लेम तो हम देख चुके हैं प्रीमियम भी देख चुके हैं अब हमने देखा कमीशन ओ माय गॉड सर कमीशन हाँ जी कमीशन ये एक नया कॉन्सेप्ट और आके कमीशन क्या है कोई मुश्किल काम नहीं है अब मैं कई बार आपको यह बता चुका हूं यह इंश्योरेंस कंपनी ए है जिसके एंगल से सारी कहानी और दासतान बयां हो रही है यह पार्टी है जिसने हमें बिजनेस दिया है लेकिन यह पार्टी जो हमें बिजनेस देती है कैसे देती है हमारे एजेंट के थ्रू देती है यह पार्टी हमारे एजेंट्स या हम यूं कहें कि इस पार्टी को ढूंढ करके हमारे एजेंट लाए हम इंश्योरेंस कंपनी हैं बिकॉज हमारे एजेंट हमारे लिए काम कर रहे हैं हमारे लिए बिजनेस लेकर के आ रहे हैं तो हमारी कंपनी को एजेंट्स को कुछ मुआवजा भी तो देना पड़ेगा ना एजेंट को भी तो उनकी सर्विसेज के लिए कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे क्या कहेंगे जरा आप ही बताओ उसको हम कहेंगे कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस यानी कि अगर मैं आपको कह दूं कमीशन पेड कमीशन पेड ए ऑन डायरेक्ट बिजनेस तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं तो कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस का मतलब आपको समझ में आ गया इसका मतलब है हमारे एजेंट जो हमारे लिए बिजनेस लेकर के आए हमने उनको कमीशन दिया क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी को ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी है ये आप इंश्योरेंस कंपनी ए हैं क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी को कहीं और से भी बिज़नेस मिल, मिल सकता है कहीं से बिजनेस मिल सकता है हाँ या ना यस सर बिल्कुल मिल सकता है कहाँ से मिल सकता है आजू बाजू से कितना अच्छा लगता है ये आजू बाजू नाम और आप भी बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है कंपनी ए के एंगल से और ये सीडेड है ये री इंश्योरेंस सीडेड है कंपनी ए के एंगल से और ये मैं बार बार इसलिए बताते रहता हूं ताकि कंफ्यूजन के दायरे कम हो जाए ये एक्सेप्टेड है अब मुझे एक बात बताओ इसका मतलब है कि आप इंश्योरेंस कंपनी हैं और कोई भी पार्टी आपके लिए जब बिजनेस लेकर के आएगी तो आप उसको कुछ कमीशन देंगे अब चाहे बिजनेस आपके एजेंट लेकर के आए या कोई दूसरी कंपनी आपके लिए बिजनेस लेकर के आए तो तब भी तो आप उसको कमीशन देंगे या नहीं देंगे बिल्कुल देंगे तो इसका मतलब है कोई दूसरी कंपनी जब आपको बिजनेस दे रही है यानी कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं री इंश्योरेंस एक्सेप्ट तो ये इनडायरेक्ट बिजनेस है तो कमीशन आप पे कर सकते हैं इनडायरेक्ट बिजनेस पर ही तो आपको इस पार्टी को कमीशन देना पड़ेगा इसका मतलब है कमीशन पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस इनडायरेक्ट बिजनेस कमीशन पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस तो आपको कमीशन देना पड़ेगा और मैंने अभी बताया कमीशन पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस का क्या मतलब है बेटा ये मतलब बस बहुत जरूरी है कमीशन पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस का मतलब ये भी हो गया कमीशन पेड ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड ये मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं इंश्योरेंस एक्सेप्टेड इसका मतलब ये हो गया जाहिर है कमीशन भी आपका खर्चा है तो ये दोनों चीजें आपका टोटल खर्चा बन गई करेक्ट अब क्या हुआ आपने बिजनेस छोड़ा सीट करा तो जब आप बिजनेस किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को देंगे बिकॉज अब की बार आप बिजनेस दे रहे हैं तो वो कंपनी आपको कुछ कमीशन देगी बात समझ में आ गई इसका मतलब जो तीसरा पॉइंट है सी वो क्या है पहले तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कमीशन रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड ए ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस बेटा ध्यान दें जो कमीशन रिसीव्ड है ना वो केवल इनडायरेक्ट बिजनेस पर ही मिल सकता है नॉर्मली एज ए इंश्योरेंस कंपनी आपको कमीशन देना ही पड़ेगा लेकिन केवल आप कमीशन रिसीव तब कर सकते हैं जब आपने कुछ इंश्योरेंस का बिजनेस सीड करा होगा छोड़ा होगा आपने बिजनेस सीड करा छोड़ा तो जिसको भी आपने इंश्योरेंस का बिजनेस दिया वो आपको कमीशन देगी तो इसलिए यहां बी नहीं हो सकता कमीशन ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस का वैसे मतलब हो गया कमीशन रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस इसका मतलब यह हो गया री इंश्योरेंस तो यह आपके खर्चे को कम कर रहा है यह कभी नहीं कहना है कि यह इनकम है खर्चा खर्चा रहेगा आए आए रहेगी ये आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में बड़ा ध्यान रखना है तो फिर यह जो भी आ जाएगा उससे आपको पता लग जाएगा कि कमीशन का नेट खर्चा कितना है बात समझ में आ गई क्लेम्स खर्चा कमीशन खर्चा इज इट यू पहले तो ये कॉन्सेप्ट बेटे जानने बहुत ज़्यादा जरूरी एक बार अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग गए तो इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अब हम आगे क्या चर्चा करेंगे लेटस है लुक आगे की चर्चा करने के लिए लीजिए जी ये शीट तो पड़ी हुई है अब हम क्या चर्चा करेंगे ध्यान से सुने अब हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो अगली चर्चा जो है देखें यहां पर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अब अगली जो चर्चा है ना वो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है एक सेकंड के लिए ये जरा फ्लैश कर रहा है इसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अगली चर्चा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से मेरा मतलब क्या है पूरे हिंदुस्तान में जितना भी इंश्योरेंस का बिजनेस है ना हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो इंश्योरेंस का बिजनेस है मैंने कहा उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है वन एक तो है जनरल इंश्योरेंस एक तो है जनरल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के बाद जो दूसरा है उसको हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि लाइफ इंश्योरेंस आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है करेक्ट यानी कि आपके लेवल पे सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स अब जो जनरल इंश्योरेंस होता है जनरल इंश्योरेंस उसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं इनफैक्ट किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं ध्यान से सुने एक तो हम कहते हैं मरीन इंश्योर मरीन इंश्योरेंस बल्कि उससे पहले फायर इंश्योरेंस एक तो होता है फायर इंश्योरेंस क्या होता है फायर इंश्योरेंस एक होता है मरीन इंश्योरेंस बेटे मरीन का जो मतलब होता है एम ए आर आई एन ई मरीन मरीन का अगर अब आजकल सेक्सपीरियन इंग्लिश तो चलती नहीं है विक्टोरियन इंग्लिश चलती है सेक्सपीरियन इंग्लिश में ये वर्ड मरीन बहुत यूज होता था और मरीन का वैसे मतलब होता है नीला साफ पानी मरीन जो वर्ड है ना वो कहीं मछलियों से रिलेटेड था मैं सेक्सपेरियन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ अब आप ये ज़्यादा इंग्लिश के बारे में हमें क्या ज़्यादा बातें करनी हम यहाँ पर लिटरेचर की नहीं अकाउंट्स की चर्चा कर रहे हैं लेकिन जस्ट मैंने बताया मरीन का मतलब है वैसे सिंपल वर्ड्स में आजकल के विक्टोरियन इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं तो विक्टोरियन इंग्लिश में एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू वाटर और सी वेज जो सी वेज से संबंधित है वो मरीन है करेक्ट और जनरल इंश्योरेंस में तीसरी कैटेगरी जो होती है उसको बोलते हैं अदर इंश्योरेंस अदर भी बोल देते हैं मिसलेनियस भी बोल देते हैं जो भी आपको सही लगे अब फायर इंश्योरेंस क्या होता है इंश्योरेंस विच टेकन टू कवर द लॉस ड्यू टू फायर इज नोन एज फायर इंश्योरेंस फायर से होने वाले किसी लॉस को लॉस से बचने के लिए मैं जो इंश्योरेंस कराता हूं वो फायर इंश्योरेंस है इसी तरह मरीन का ये मतलब है कि मैं वॉटर uh, वेज से संबंधित रिलेटेड जो रिस्क हैं उनसे होने वाले जो लॉस हैं उनको सेफ करने के लिए जो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाएगी या मरीन इंश्योरेंस कहलाएगा अदर इंश्योरेंस में दुनिया जहान के हैं इंश्योरेंस यानी कि फायर और मरीन को छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस हो गए चाहे वो थेप्ट इंश्योरेंस हो चाहे वो बर्गलरी हो चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो चाहे वो फीडिलिटी हो आप किसी भी चीज़ का नाम लें उसके लिए इंश्योरेंस आजकल की दुनिया में अवेलेबल है एक होता है लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में ऑफ कोर्स हम लोग अपनी लाइफ को इंश्योर करते हैं लेकिन वो मैंने जैसा कि कहा कि आपके कोर्स का पहलू नहीं है तो हम जनरल इंश्योरेंस पर अपनी चर्चा को रखेंगे अब ये आपको पता लग गया कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस तो ये है मेन जनरल इंश्योरेंस है उसके अंदर भी तीन सब डिविजन है फायर मरीन एंड अदर इंश्योरेंस अदर इंश्योरेंस के अंदर मैंने कहा इंश्योरेंस है, बर्गलरी इंश्योरेंस है फिडिलिटी है और भी कई है करेक्ट तो अब आपको क्या समझ में आना चाहिए मेन पॉइंट क्या समझ में आना चाहिए टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस तो आपको पता लग गया आग, आग, आगे आपको क्या पता होना चाहिए आगे जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ हमें इस चैप्टर में बेसिकली करना क्या है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें तो बेटे बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज़ खास तौर तो से जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमने हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है बात समझ में आ गई इज इट क्लियर टू यू अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तुम्हें एक एक दो चीज़ें ये मालूम होनी चाहिए एडा का नाम सुना है आपने आई आर डी ए इसको कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एडा आई आर डी ए। एडा एडा की जो गाइडलाइंस हैं 2002 की हालांकि याद रखें कि एडा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है अब इंश्योरेंस कंपनी की इसके तो अब कई अमेंडमेंट्स आ चुके हैं बल्कि 2017 तक का भी आ चुका है लेकिन 2002 में कुछ फॉर्मेट्स दिए गए थे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मेन चीज बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको क्या मालूम होना चाहिए एंड बीइंग ए प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी जो अकाउंटिंग करेंगी अब वो इंश्योरेंस एक्ट के तहत नहीं करती हैं वो एडा के तहत करती हैं आई आर डी ए कभी आप अगर मेट्रोज वगैरह से जाते हैं तौर तो से मेट्रो सिटी में जहाँ जहाँ भी हम मेट्रोज हैं तो आपने देखा बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं आई आर डी ए के इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी तो आजकल जितनी भी अकाउंटिंग है या प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है अकाउंटिंग के इंश्योरेंस कंपनी के दीज आर गवर्न बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडा बोलते हैं इर्डा आई आर डी ए करेक्ट तो एडा गाइडलाइंस 2002 के मुताबिक एक इंश्योरेंस कंपनी को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो मैंने आपको कही तो मैं ऐसी लिख रहा हूं एज पर एडा गाइडलाइंस आप यहाँ पर ध्यान दें एज पर IRDA, Insurance Regulatory Development Authority. As per ADA guidelines 2002, of course, insurance companies. Should prepare them A Revenue account, B Profit and Loss account, and of course, C Balance Sheet. तो जैसे नॉर्मली कोई भी कंसर्न बनाती है वो यही चीज़ें बनाती है यहाँ भी यही चीज़ें अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ एक्चुअली ये जो दोनों चीज़ है ना ये बेसिकली कोई अलग अलग चीज़ नहीं है रेवेन्यू अकाउंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अप्रोप्रिएशन वगैरह माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो पी एन एल अकाउंट से नजर आता है अब टेक्निकली आपके कोर्स में बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसका रीजन ये है कि इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट अकाउंटेंट कम और एक्चुअरी ज़्यादा बनाते हैं बात समझ में आई एक्चुअरी जो मैथमेटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं तो यही वजह है कि बैलेंस शीट से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन रेवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे अब अगला पार्ट ये हो जाता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी अपना रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाती है एक इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएगी हमें बेसिकली अब यह समझना है और यह समझना टेक्निकली कोई मुश्किल नहीं है ध्यान से देखें एक इंश्योरेंस कंपनी अपना रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाती है अब हम जरा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट करेक्ट इसको जरा मैं किनारे कर देता हूँ तो एक इंश्योरेंस कंपनी अपना रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाएगी तो फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट्स आइए जी कैश के पीछे हाँ चलो इसको भी यूज कर ही लेते हैं आइए जी अब जरा मैं ये वाला पेन ले लूं इससे पेन कहाँ चला गया चलो फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट पहले तो आप लिखें बहुत ही ईजी अब टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो गई है तो उसके बाद तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एक बार टर्मिनोलॉजी जब क्लियर हो जाती है तो फिर इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट जैसा कि मैंने आपसे कहा अब रेवेन्यू अकाउंट आप बनाएंगे एक इंश्योरेंस कंपनी जब अपना रेवेन्यू अकाउंट बनाती है एडा की गाइडलाइंस के मुताबिक तो वो कैसे बनाएगी ध्यान से देखें एक कॉलम में तो आप लिखें डिटेल्स दूसरे में लिखेंगे आप शेड्यूल नंबर और ऑफ कोर्स तीसरे में लिखेंगे आप अमाउंट इज इट क्लियर टू उसके बाद इनकम्स एक इंश्योरेंस कंपनी की जो इनकम्स हालांकि टेक्निकली वर्ड इनकम नहीं कहा जाता है इनको लेकिन जस्ट समझाने के लिए एक तो हम लिखते हैं प्रीमियम प्रीमियम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं इसका है शेड्यूल वन ये आप अलग से कंप्यूट करेंगे जैसे बैंकिंग कंपनी में आप अलग से कंप्यूट करते थे प्रीमियम के बाद फिर हम यहाँ पर कुछ इनकम्स लिखते हैं लेकिन उसका कोई शेड्यूल नहीं है क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं उसको हम लिखते हैं अदर इनकम अभी हम देखेंगे अदर इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं लेकिन इसका शेड्यूल नंबर नहीं है बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका शेड्यूल नंबर क्यों नहीं है भाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। उसके बाद फिर हम इनका टोटल कर देंगे जो भी टोटल होगा वो आप लिख लेंगे बहुत ही ईजी कुछ है ही नहीं मैं क्या बताऊँ आपको इससे ईजी चैप्टर तो कुछ है ही नहीं Expenses. अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था इंश्योरेंस कंपनी का जो सबसे मेजर खर्चा है बताओ बेटे कौन सा है इंश्योरेंस कंपनी का सबसे मेजर खर्चा अभी मैं बात कर रहा था एक तो क्लेम्स का है अभी आपने देखा क्लेम्स की कैलकुलेशन कैसे होगी क्लेम्स जो है शेड्यूल टू कैलकुलेशन तो अभी मैंने टेक्निकली आपको बताई नहीं है अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हालांकि अब मैं काफी आइडिया आपको दे चुका हूं क्लेम्स के बाद फिर कमीशन के बारे में मैंने चर्चा करी थी कमीशन शेड्यूल थ्री उसके बाद फिर एक्सपेंसेस शेड्यूल फोर लो जी। एक्सपेंसेस का टोटल आप कर लेंगे उसके बाद आपके पास पता है क्या आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है अब मैं आपको हकीकत बताऊं, तो इसके नीचे का जो पार्ट है ना बेसिकली वही पी एन एल अकाउंट है हालांकि मैं आपको एक बार बता रहा हूं, फॉर्मेट ऑफ पी एन एल अकाउंट अच्छा ये लीजिए जी इसके नीचे का पार्ट फॉर्मेट ऑफ पी एन एल अकाउंट दरअसल ये कोई अलग से चीज़ नहीं है बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं ये अलग से चीज़ है लेकिन जस्ट हमें फिर भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए अब जो ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है ये हम यहाँ लिख लेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया अब यहाँ शेड्यूल नंबर नहीं है करेक्ट अब मैं क्या करूँगा सर ये दोबारा से अदर इनकम हाँ बेटे दोबारा से अदर इनकम बहुत से बच्चे यही थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं सर यहां भी अदर इनकम है यहां भी सपोज मैं एक इंश्योरेंस कंपनी और मैं दो चलो मैं एक इंश्योरेंस क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी कई तरीके के इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है मरीन में भी हो सकती है फायर में भी हो सकती है एक्सीडेंट्स में भी हो सकती है प्रोविडेंट फंड्स में भी हो सकती है फिडिलिटी में भी हो सकती है हजारों इंश्योर। और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो तो मल्टीपल बिजनेस करती करती हैं। मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो कोई एक इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है मान लेते फायर इंश्योरेंस का करेक्ट अब होता क्या है जब मैं कहता हूं जब मैं यहां अदर इनकम लिख रहा हूं देखो जब मैंने ये ऊपर लिखी है ना अदर इनकम तो इसका मतलब है कि ये जो अदर इनकम है इस इंश्योरेंस बिजनेस के सिलसिले में है जिसमें कि जैसे कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है फायर इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है तो ये अदर इनकम फायर इंश्योरेंस बिजनेस के सिलसिले में ये कैसे होगी अभी थोड़ी देर के बाद पता लगेगा लेकिन अगर मेरे पास अदर इनकम आई है जो जनरल नेचर की है जनरल नेचर का मतलब है कि मैं प्योरली ये नहीं कह सकता कि ये इनकम जो आई है इंश्योरेंस बिजनेस के, के कनेक्शन में आई है अगर इंश्योरेंस बिजनेस के कनेक्शन में है तो मैं ऊपर लिखूंगा और अगर वो जनरल नेचर की है तो मैं उसको नीचे लिखूंगा ये कहने का मतलब है इसी तरीके से अदर एक्सपेंसेस हालांकि क्वेश्चन में ये सब दिया नहीं होता इसलिए टेक्निकली तुम इसको इकट्ठे भी बना सकते हो बात समझ में आ रही है कि नहीं अब क्वेश्चन में जनरली ये दोनों चीजें होती नहीं है अब जो अदर एक्सपेंसेस हैं अब देखो तुमने एक्सपेंस यहां भी लिखा यहां भी यहां जो एक्सपेंस लिखे हैं इसका मतलब ये एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद इंश्योरेंस बिजनेस है लेकिन ये ये खर्चे जो हैं इन कनेक्शन विद इंश्योरेंस बिजनेस नहीं है अगर वो इंश्योरेंस के कनेक्शन में नहीं है तो नीचे लिखेंगे नहीं तो ऊपर लिखेंगे अब ये प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा उसी को मैं बोलूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स टेक्निकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स समझ में आ गया और इस प्रॉफिट में से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा टैक्स प्रोविजन टैक्स प्रोविजन माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें से आप एप्रोप्रिएशंस माइनस करेंगे एप्रोप्रिएशंस इसमें से आप एप्रोप्रिएशंस माइनस करेंगे एप्रोप्रिएशंस माइनस करने के बाद आपको पता लगेगा बैलेंस कैरी डाउन कितना है लेकिन अब मैं मजेदार बात बताता हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हमें क्वेश्चन दिया रहता है ना हमें यहीं तक की इंफॉर्मेशन होती है और ये सपोज थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है ये भी नहीं है करेक्ट और ये है तो मैं सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ही टैक्स प्रोविजन माइनस कर दूं तो सीधा मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना ये इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है तो टेक्निकली तुम सीधा रेवेन्यू अकाउंट ही बना सकते हो बात समझ में आ रही है तो जरूरी नहीं है अदरवाइज नहीं भी दिया है तो आप ब्लैंक ब्लैंक छोड़ सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है जैसे मर्जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं एक तो ये है ये अभी हमने फॉर्मेट देखे हैं अब ये जो हमें शेड्यूल्स हैं ये हमें अलग से बनाने भी पड़ते हैं अब शेड्यूल्स अलग से कैसे बनाने पड़ते हैं इसकी चर्चा जो है क्योंकि वो मैं नेक्स्ट सेशन में करूँगा क्योंकि अब वक्त जो होता है जो जिसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं ना उसमें एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है उस टाइमिंग को एक्सीड करने से कई बार क्या होता है कि लेक्चर कट जाता है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर फिनिश इसलिए छोड़ा छोटी लेंथ के हमें लेक्चर्स लेने पड़ते हैं तो नेक्स्ट सेशन में अभी आपसे मुलाकात करेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में इसकी चर्चा आगे जारी रखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे हमने कंप्यूट करनी है करेक्ट एक बार मैं आपके सामने ये दिखा दूं कि आपको कहीं कुछ नोट करना हो तो और ये भी देखें ठीक है ठीक है फिर इस सेशन के लिए इतना काफी है